बातों को आगे लेके आए हैं, जिस तरह से आपने एक लड़ाई लड़ी है सभी महिलाओं के लेके, जिसका आपने आवाज बन के उठी है, इसके बाद बीजेपी की ओर से आपको उम्मीदवार संदेश कल बसीरहाट से ही उम्मीदवार के तौर पर चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज आपसे फोन पे बात की है, क्या कहना चाहेंगे, क्या आप इससे आशावादी थे? हमारा बसीरहाट से हमें और चुना गई है, मगर हम एक ही बात बोलूं, जो नरेंद्र मोदी जी जो हमारा बसीरहाट से इतना एक गरीब औरत को ये जिम्मेदारी दिया है एक टिकट देके, तो हम ये जिम्मेदारी पूरे तरफ से निभाएंगे। और हमारा इधर जो बसीरहाट से जो 7 विधानसभा है वही सभा के अंदर एक संदेशकाली में जो अत्याचार हो रहा है माँ बहन के साथ, सब माँ बहन के साथ हम लड़ेंगे और माँ बहन अपने अपने के लिए लड़ रही है और उनकी लड़ाई आगे जाएगा। आप हाँ, उनका लड़ाई आगे जाए ये कोशिश मैं करूँगी। तो जिस तरह से आप इस मूवमेंट इस लड़ाई के साथ लगातार एक आवाज बन के, डर भय लगा था इस तरह से वहाँ पे आप थे, जब क्या लगा था, क्या करना चाहिए? पहले तो डर लग रहा था, मगर जब हम 7 फरवरी को जब हम लोग ये आंदोलन पे आ चुकी थी, सोशल मीडिया के सामने जब आ चुकी थी, तो हमारा डर चला गया। डर लग रहा था, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे घर पे, उनका कुछ ना कर दे, उनके ऊपर कोई हमला ना आए। पहले जैसे घर से माँ बहन को उठाया ले जा रहा था बच्चे लोगों के ऊपर गान पकड़ के, अभी ऐसा ना हो इसलिए हम लोग आंदोलन तो करती हूँ दिन के दिन में, रात को हम लोग एक साथ एक साथ 10-20 माँ बहन एक साथ एक गठन करके एक पूरा जूत के लिए पूरा रेडी रहती थी। नहीं तो वो लोग तो खुलेआम घूर रहा है, कब किसका ऊपर हमला कर देगा, यही था डर। और हमारा डर अभी तो डर चला गया, क्योंकि हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हमारा साथ है, हमारा सर पे हाथ रखा है, तो हम उनकी हाथ रखने से हम और भी बलवान हो गई और शक्तिशाली, हमारा माँ बहन की आशीर्वाद से और भी शक्तिशाली हो गई। तो हमारा माँ बहन के लिए ये लड़ाई हम लड़ेंगे और हमारा माँ बहन की लड़ाई घर घर तक हम पहुँचाएंगे।